क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपने अपने घर में स्टील की रेलिंग लगाई हो और वो कुछ दिनों बाद उस पे पीले कलर के निशान पड़ने लगे हो, या फिर रेलिंग लगाने के बाद वो हिलने लगती है, तो ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है या फिर स्टील का काम करने वाला है, आपको बेवकूफ ना बना पाए तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। तो मैं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपको अपने घर में कौन सी स्टील की रेलिंग लगानी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगी और सालों साल तक चलती रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आप घर में कोई भी काम करा लें स्टील का, जब आप स्टील का काम कराते हैं तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं स्टील के। पहला 202 स्टील ग्रेड, दूसरा 304 स्टील ग्रेड और तीसरा 316 स्टील ग्रेड। अब इनके कुछ क्वालिटीज मैं आपको बता देता हूं। पहला जो 202 स्टील ग्रेड होता है, ये धूप और पानी से जल्दी खराब हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के घर में स्टील का गेट जो होता है या फिर रेलिंग होती है, वो कुछ दिनों बाद ही पीली पड़ने लगती है। वो इसी वजह से है कि वो आउटडोर स्पेसेस में जहाँ पे धूप और पानी का असर ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो 202 स्टील ग्रेड की रेलिंग लगाते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आती है 304 स्टील ग्रेड। देखिए, अगर आपकी रेलिंग ऐसी जगह है जहाँ पे धूप और पानी का असर ज़्यादा है, तो आप 304 स्टील ग्रेड की रेलिंग ही लगाएं। अब नेक्स्ट आती है 316 स्टील ग्रेड। देखिए, अगर आपके पास पैसे कुछ ज़्यादा है खर्च करने के लिए और आप एक नंबर का काम कराना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं 316 स्टील ग्रेड। अब मैं आपको पर्सनली अपनी राय देता हूँ कि आपको इन तीनों में से कौन सी स्टील ग्रेड की रेलिंग लगानी चाहिए, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर ही क्यों ना हो। आप जाइए 304 स्टील ग्रेड की रेलिंग की तरफ। सालों साल तक 304 स्टील ग्रेड की रेलिंग चलेगी और जल्दी से खराब भी नहीं होने वाली है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कैसे खेल खेलते हैं, आपका कैसे पागल बनाते हैं। आप उनसे बोलेंगे कि मुझे तो अपने घर में 304 स्टील की रेलिंग ही लगानी है, बट वो आपको लगा के देगा 202 स्टील की रेलिंग, क्योंकि उसे पता है आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये 202 स्टील की रेलिंग है या फिर 304 स्टील की रेलिंग है। आप पैसे देंगे 304 स्टील के, बट वो आपको लगा के देगा 202 स्टील की रेलिंग। बट मैं आपको तीन ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद आप उनकी गलती पकड़ पाएंगे और आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे कि 202 स्टील है या फिर 304 स्टील है। देखिए, पहला स्टेप आता है, आप कोई सी भी स्टील परचेस करें, उसमें इस तरह का मेंशन रहेगा कि 202 स्टील है या फिर 304 स्टील है। हर 3 से 4 फीट में आपको ये निशान देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिंदल की स्टील ही परचेज करें, उसमें तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लोकल की मैं गारंटी नहीं ले सकता। सेकंड स्टेप आता है, जब भी वो स्टील को कट करते हैं, जो उसकी चिंगारी होती है, अगर वो दूर तक जा रही है तो आप समझ जाइए ये 202 स्टील है। अगर उसकी चिंगारी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, सिर्फ 1-1.5 फीट तक ही जा रही है, तो आप समझ जाइए 304 स्टील ग्रेड है। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो थर्ड स्टेप आता है, बहुत ही ईजी स्टेप है। मार्केट में स्टील ग्रेड टेस्टर के नाम से एक लिक्विड आता है, आप क्या करें 202 स्टील के ऊपर उसको डालें और 304 स्टील के ऊपर उसको डालें। अगर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है वो 304 स्टील ग्रेड है। अगर वो 202 स्टील ग्रेड होगा तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है, 50 से 60 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं, पर आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अब एक और पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बनाता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं होगा। देखिए, जब भी आप अपने घर में स्टील की रेलिंग लगाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो दो तरह से तय करी जाती है। पहला आता है आपका पर केजी के हिसाब से, सेकेंड आता है रनिंग पर फीट के हिसाब से। देखिए, जब आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि मुझे अपने घर में रेलिंग जो लगानी है वो पर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करके दे दीजिए। अब देखिए, ठेकेदार उसमें क्या, कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा क्या चालाकी करेगा, जो स्टील का उस रेलिंग में यूज़ करेगा वो लाइट वेट वाली स्टील की रेलिंग का यूज़ करेगा।
आप ध्यान से समझे मेरी एक बात को, आप कोई भी एक स्टील लीजिए जिसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है, उसमें भी आपको अलग अलग वेट देखने को मिल जाते हैं, सेम लेंथ की सेम स्टील में सेम ग्रेड की स्टील में अलग अलग वेट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गेज में जो है फर्क आ जाता है। अगर स्टील 16 गेज से ऊपर की है तो मतलब वो लाइट वेट होना शुरू हो जाएगी, और 16 गेज से नीचे की है मतलब वो हैवी स्टील है, तो वो क्या करेगा, पर फीट में आपको लाइट वेट वाली स्टील लगा के दे देगा। अगर आप उससे बोलेंगे कि मुझे पर केजी के हिसाब से कॉस्ट तय करनी है, तो वो लो गेज वाली स्टील आपको लगा के देगा जिसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा, जब भी आप अपने घर में स्टील की रेलिंग लगाए तो हमेशा पर किलो के हिसाब से ही नपवा लीजिए। उसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जब भी आप उनके साथ जाएं, तो बस इस बात का ध्यान रखिए जितना भी वो स्टील उसमें तोल रहे हैं नाप रहे हैं वो पूरी की पूरी स्टील आपके रेलिंग में यूज़ हो रही हो, और जिसमें भी वो तोलते हैं उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान देना है। अब स्टील की रेलिंग की कॉस्ट की बात कर लेते हैं और डिज़ाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए जो भी मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा इसमें वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड कर सकती है, कोई भी ये फाइनल रेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले 304 स्टील की रेलिंग की कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए अगर आप पर किलो में लगाएंगे तो ये रेलिंग आपको 450 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से मिलेगी। सेकंड, अगर आप रनिंग फिट में लगाएंगे तो ये रेलिंग आपको 750 रुपीज़ रनिंग फिट में मिलेगी। अब 202 स्टील रेलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए 202 स्टील की रेलिंग अगर आप लगाएंगे पर केजी में तो ये आपको मिलेगी लगभग 350 रुपये पर किलो के हिसाब से, बट अगर आप इसको रनिंग फिट में लगाएंगे तो ये आपको मिलेगी 650 रुपीज़ रनिंग फिट। अब अगर आप स्टील की रेलिंग रनिंग फिट में लगाने की सोच रहे हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, जो भी आपके पिलर्स आते हैं, मैं मेन पिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सेकंड पिलर होते हैं रेलिंग के, उसका डिस्टेंस कितना रखा जाएगा। जनरली हम क्या रखते हैं कि एक पिलर इंस्टॉल हुआ, फिर आपकी एक स्टेप आ गया, उसको हमने खाली छोड़ दिया, फिर थर्ड स्टेप पे एक और पिलर इंस्टॉल कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि दो स्टेप छोड़ दिए जाते हैं, फिर आपका फोर्थ स्टेप पे पिलर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लें अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ। आप सोच रहे हो एक स्टेप छोड़ के आपका पिलर आएगा और वो लगा दे 3 स्टेप छोड़ के, तो उससे रेलिंग की जो मजबूती है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आप देखते होंगे जो रेलिंग पकड़ते साथ हिलने लगती है, वो इसी का कारण होता है कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेन पिलर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब अगर आप पर केजी के हिसाब से रेलिंग की जो कॉस्ट है वो तय कर रहे हैं, तो मास्टर पिलर का आप पहले डिस्कस कर लीजिए कि आप इसको पर किलो के हिसाब से नपवाएंगे या फिर पर पीस के हिसाब से नपवाएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो मास्टर पिलर मार्केट में आता है वो पर पीस के हिसाब से आता है, जनरली वो 1500, 2000, 2500 के रेंज में आ जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। जाते जाते आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, अगर आप 304 स्टील ग्रेड में रेलिंग लगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही कह दीजिए जितना भी मटेरियल यूज़ होगा स्टील की रेलिंग में वो सारा का सारा 304 स्टील में ही बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जो आपके पाइप फिट होते हैं उसके जो नीचे लगता है उसको या फिर लोहे का लगाते हैं या फिर 202 स्टील ग्रेड में लगाते हैं, तो इस बात को आपको फाइनल कर लेना है पहले ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन या फिर घर का नक्शा बनवाना, जब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।